हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसाला बाटी की रेसिपी। और ये बाटी मैं इडली स्टैंड में बनाऊंगी और ये बहुत ही खस्ती और करारी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है इडली स्टैंड में। इसे बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, पर ये बिल्कुल तंदूरी बाटी की तरह बनती है। तो आइए चलिए हम बनाना शुरू करते हैं मसाला बाटी। मसाला मैं आलूओं का बनाऊंगी, ये उबले हुए आलू हैं, इन्हें मैं कुछ मसालों के साथ फ्राई करूंगी। साथ ही बाटी के लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा 2 कप, सूजी जो कि हाफ कप से भी कम है, देसी घी है जो मैं अंदाजे से डालूंगी, साथ ही अजवाइन और बेकिंग पाउडर। क्योंकि हम बाटी को इडली स्टैंड में धीरे धीरे बेक करेंगे इसलिए हमें बेकिंग पाउडर की जरूरत होगी। साथ ही हमें चाहिए होगा दूध बाटी का आटा गूंदने के लिए। दूध से जब हम बाटी का आटा गूंदते हैं तो बाटी बहुत ही खस्ता और मुलायम बनती है। अगर आप करारी बाटी नहीं खा सकते तो आप दूध से आटा गूंदें, क्योंकि दूध से गूंदी हुई बाटी का आटा बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं बाटी का आटा दूध से गूंदूंगी। तो आइए चलिए हम बनाना शुरू करते हैं मसाला बाटी। सबसे पहले हम एक परात लेंगे जिसमें कि हम आटा गूंदेंगे। यहाँ पर मैं आटा ले रही हूँ गेहूं का, साथ ही सूजी। अगर आपको कुरकुरी बाटी नहीं पसंद तो आप सूजी ना डालें, आप सिर्फ गेहूं के आटे से ही बाटी बनाएं। इसके बाद हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, साथ ही अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, इससे अजवाइन की खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसमें घी का मोयन डालूंगी। घी का मोयन आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, आपको जैसी बाटी पसंद हो आप घी का मोयन वैसा ही डाल दें। बाटी में घी का मोयन बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पर लगभग 4 से 5 टेबल स्पून घी डाला है। ध्यान रखें कि आप बाटी में देशी घी का ही यूज करें, तेल का मोयन ना डालें। इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करते जाएं। घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने आपको नमक तो बताया ही नहीं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, आप मेरी तरह गलती ना करें, नमक जरूर डालें। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए मैं बाटी का कड़क आटा तैयार करूंगी। बाटी का आटा आप कड़क ही रखें, पूड़ी की आटे जितना या फिर उससे भी थोड़ा कड़क। बाटी का आटा गूंदकर तैयार हो चुका है, इसे मैंने खूब कड़क गूंदा है, आप देख सकते हैं। इसे गूंदने में लगभग 1.5 गिलास से ऊपर दूध लगा है, मैंने 1 गिलास दूध का और लिया था उसमें से इतना बचा हुआ है। अब हम इसे ढककर रख देंगे जब तक हम अपना आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। आलू के मसाले के लिए सबसे पहले हमें करना यह है कि हम इन उबले आलुओं को मैश कर लेंगे। यहाँ पर मैं सारे आलुओं को अच्छे से मैश कर रही हूँ। इसके बाद हम इसे मसाले में लगाएंगे। आलुओं को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून तेल गर्म होने रख दिया है। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मसाले निकाल कर रखे हुए हैं, ये है कलौंजी, सौंफ, अजवाइन, जीरा, कसूरी मेथी और थोड़ी सी हींग। गर्म हो गया है तो अब मैं इन मसालों को तड़का दे देती हूँ। इन्हें धीमी आंच पर थोड़ी देर भूनने देते हैं। मसाले भून गए हैं तो मैं यहाँ पर उबले हुए आलू डाल देती हूँ। आलू को मीडियम आंच पर थोड़ा फ्राई करते हैं। यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि मैंने कुछ पिसे मसाले भी निकाल कर रखे हुए हैं। सबसे पहले मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च का पाउडर यहां पर, साथ ही यह है अनारदाने का पाउडर, आप इसकी जगह पर अमचूर का पाउडर भी ले सकते हैं, जीरे का पाउडर और थोड़ा सा धनिया का पाउडर। ये मसाले मैं आलू में डाल देती हूँ। क्योंकि हम मसाला बाटी बना रहे हैं तो मैंने मसाले थोड़े ज्यादा लिए हैं, आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर लें। मसालों को आलू में अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। ये आलू मैं काफी चटपटे बना रही हूँ, क्योंकि मसाला बाटी को हम ऐसे ही चटनी के साथ या फिर रायते के साथ खा सकते हैं, इसके साथ हमें किसी दाल या फिर चोखे की जरूरत नहीं होती।
आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आलू ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम बाटी बनाने की तैयारी करते हैं। मैं आटे को थोड़ा सा घी लगाकर वापस से मसल लूंगी, इसे चिकना कर लेते हैं। आटे से एक मीडियम साइज की लोई लेते हुए मैं यहाँ पर मीडियम साइज की बॉल बना रही हूँ, इसे अच्छे से चिकना कर ले। बीच में गहरा करते जाएं। इसमें एक चम्मच आलू का मसाला भरेंगे। मसाला आप कम या ज्यादा कैसे भी भर सकते हैं। इसे चारों ओर से उठाते हुए अच्छे से दबा दबा कर बंद कर दें। इस तरह से हम अपनी सारी भरवा बाटी बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी बाटियों को मैंने आलू का मसाला भरकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने ये इडली का स्टैंड लिया है और अब मैं इसमें पहले नमक की एक परत बिछा दूंगी। नमक आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग आधा किलो नमक का यूज किया है। ये लगभग एक इंच की परत है नमक की। इसे सबसे पहले मैं गैस पर हीट होने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने इडली स्टैंड के सांचे भी लेकर रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं इनमें घी लगा दूंगी। घी को अच्छे से फैला देते हैं। इस तरह से हम सारे सांचों में घी लगा देंगे। इडली के सारे सांचों में मैंने घी लगा दिया है और अब मैं एक एक बाटी उठाकर इस पर भी अच्छे से घी लगाऊंगी। बाटी पर अगर घी लगाकर सेकें तो सिकने के बाद ये बहुत अच्छी दिखती है। इस तरह से करके मैं सारी बाटियों को इडली स्टैंड में रखती जाऊंगी। आप हाथ में घी लगाकर भी फिर लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी बाटियों में घी लगाकर इडली स्टैंड में रख लिया है और अब मैं इसे इडली के कुकर में डाल देती हूँ। इडली के कुकर में मैंने बाटियां डाल दी हैं और अब हम इसे यहाँ पर ढक्कन लगाकर मीडियम आंच पर और 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में हम इन्हें खोल कर चेक भी कर लेंगे। यहाँ पर बाकी की बाटियां सिक चुकी हैं। मैंने लास्ट राउंड की बाटी को पलट कर रख दिया है, ये भी सिकनी बाकी है, तो मैंने इसे ऐसे पलटा है और इसे सिकने में भी 10 मिनट और लगेंगे। साथ ही कुछ बाटियां आप देख सकते हैं इस तरीके से सिकी हैं। यहाँ पर मैंने सारी बाटियों को सेक कर रख लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया क्रिस्प और खस्ता बाटियां तैयार हुई हैं। इस तरह से आप चाहें तो इन्हें घी लगाकर खाएं या फिर ऐसे ही खाएं, क्योंकि इनमें मैंने बहुत ज्यादा घी पहले से ही डाला हुआ है। इन्हें आप चटनी, रायते या फिर दाल के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये बाटियों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो पर लाइक का बटन दबाएं। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।